कल दो निर्णय आया है सर्वोच्च न्यायालय का, जो संविधान पीठ का, और सर्वोच्च न्यायालय का दोनों निर्णय जो संविधान पीठ का आया है वह केंद्र सरकार का जो चेहरा है उसको उजागर कर रहा है। और इन दोनों जजमेंट से, सुप्रीम कोर्ट के जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से, यह साबित हो गया कि देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है और उनके जो सिपाह सलार देश के माननीय गृह मंत्री जी हैं, इन दोनों ने देश की सभी संस्थाएं को अपना पॉकेट संस्था बना के रखा था। उन सबों पर, सभी संस्थाओं पर इनका अघोषित नियंत्रण था, जो राज्यपाल होते हैं और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं केंद्र शासित प्रदेश में, उनके माध्यम से चुनी हुई सरकारों को नियंत्रित करने का प्रयास करते थे। ये बात करते थे भ्रष्टाचार की। जितने इनके पालतू तोते हैं उन सब पालतू तोतों का इस्तेमाल करते थे ये अपने विरोधी लोगों के खिलाफ। तो ये देश की जो लोकतंत्र तांत्रिक व्यवस्था थी, जो लोकतंत्र देश का आज खतरे में था इन लोगों के कारनामों के कारण। अघोषित आपातकाल इन लोगों ने लागू किया था और हम सलाम करते हैं इस देश के माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, जिसने इस देश में अलोकतांत्रिक व्यवस्था चलाने वाले लोगों को आईना दिखाते हुए देश में फिर से लोकतंत्र स्थापित करने का काम किया। और इन लोगों को यह गलत फहमी नहीं हो कि लोकतंत्र के यही रक्षक हैं। सारे काम जो देश का इतिहास बदल रहे हैं, देश में कोई काम नहीं हो रहा है। आप बताइए, देश में देश की सरकार है, देश की सरकार ने एक मिनट भी महंगाई पर चर्चा किया क्या? केंद्र सरकार के किसी मंत्री का एक बयान भी आप दिखा दीजिए जिसमें उन्होंने कहा हो कि महंगाई को नियंत्रित करने के लिए हम ये कार्रवाई कर रहे हैं। केंद्र की सरकार ने का एक भी वक्तव्य यह नहीं था कि हम बेरोजगारी को दूर करने के लिए ये प्रयास कर रहे हैं। तो न महंगाई पर यह बोलेंगे, न बेरोजगारी पर बोलेंगे, न 81,000 करोड़ रुपए का कारपोरेट घोटाला होगा उस पर मौन व्रत धारण कर लेंगे। सत्यपाल मलिक जी जो इन्हीं के द्वारा नियुक्त राज्यपाल थे, सत्यपाल मलिक जी ने जो खुलासा किया पुलवामा के घटना के बारे में, एक शब्द कोई केंद्र सरकार की तरफ से नहीं बोला। अरे भाई, आप डिनाई भी करते, आप कहते कि गलत है यह भी कहते, सच है तो यह भी कहते कि सच है, हमसे भूल हो गई, देश की जनता से माफी मांग लेते। 40 जो जवान इस देश के शहीद हो गए उनके परिवारों से क्षमा मांग लेते, कुछ नहीं, मौन व्रत धारण किए रहना है। और बोलना क्या है? इस देश के सारे भ्रष्टाचारी मेरे खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। अरे, आप कर्नाटक का चुनाव हुआ अभी, आप में से कई लोग कर्नाटक के चुनाव को देख रहे होंगे नजदीक से। पूरे कर्नाटक के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार था, इसलिए कि वहां की जो सरकार थी देश की सबसे भ्रष्टतम सरकार थी। और
वहां भ्रष्टाचार की चर्चा जब आम लोगों में होने लगी तो उसको ढकने के लिए इन लोगों ने धार्मिक उन्माद फैलाना शुरू किया। भाई हमने तो बहुत सा चुनाव देखा है, 68 साल उम्र हो गया तो इसलिए बहुत चुनाव देखे हूं। आज तक किसी चुनाव में और किसी देश के प्रधानमंत्री को उस तरह का चुनाव प्रचार हमने करते हुए नहीं देखा। धार्मिक उन्माद फैलाने का जो क्लाइमेक्स होता है वो प्रचार कर रहे थे, दोनों हाथ उठा के कह रहे हैं जय बजरंगबली का नारा लगाओ और कमल छाप पर वोट दबाओ। अरे ये देश के प्रधानमंत्री को किस स्तर पर आप ले जा रहे हैं? ये निम्नतम स्तर का प्रचार है। आप गरिमा है उस पद की, जिस पद को आप सुशोभित कर रहे हैं उस पद की गरिमा है, उस पद की गरिमा को तो कम से कम अक्षुण्ण रखिए। नहीं तो ये सब काम दिल्ली में क्या कर रहे थे भाई? ठीक कहा सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि भाई चुनी हुई सरकार जो जनता का प्रतिनिधित्व करता है उसको लेफ्टिनेंट गवर्नर जो नियुक्त होता है वो कैसे कंट्रोल करेगा, उसको कैसे काम करने का हक नहीं मिलेगा? महाराष्ट्र में क्या कहा, राज्यपाल के भूमिका जो है उसको संदिग्ध माना और राज्यपाल की भूमिका को संदिग्ध माना, और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि चूंकि उद्धव ठाकरे जी ने फ्लो टेस्ट किए बिना इस्तीफा दे दिया था इसलिए हम उसको रिस्टोर नहीं कर सकते। और उद्धव ठाकरे जी ने कहा कि भाई हमने तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया, तो आज नैतिकता किसके किसके लिए है? आज नैतिकता एकनाथ शिंदे जी के लिए है, एकनाथ शिंदे जी को भी उसी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए और महाराष्ट्र में फिर चुनाव का घोषणा कर देना चाहिए, चुनाव होगा। लेकिन ये सब चीज किसी चीज से मतलब नहीं है। कर्नाटक में इन लोगों ने अथक प्रयास कर लिया, अथक प्रयास कर लिया, लेकिन अब 24 घंटा बचा है। एग्जिट पोल तो आप लोग देख चुके हैं, हम आपको बता रहे हैं कि जो मेरी जानकारी है एग्जिट पोल से कहीं ज्यादा संख्या से भारतीय जनता पार्टी वहां चुनाव हार रही है। तो आपका सब कुछ खत्म हो रहा है, धीरे धीरे आपका पूरा तिलस्म खत्म हो रहा है। तो इसलिए अब इंतजार करिए 2024 का और आने वाले समय में जो मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ में भी चुनाव होना वहां भी हारेंगे ये बुरी तरह। हम गए थे मध्य प्रदेश, वहां के लोगों से हमने जो अनुभव लिया लोगों का मानना है कि ये सरकार को जाना चाहिए। तो मध्य प्रदेश भी हारिएगा, सब हारिएगा और 2024 में तो फिर आपका सफाया होना ही होना है। तो इसलिए मेरा कहना है कि आज इस देश में फिर से लोकतंत्र स्थापित हुआ है और लोकतंत्र माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्थापित किया। भ्रष्टाचार पर जो आप ड्रामा करते हैं आपकी अपनी पार्टी भ्रष्टतम पार्टी है, जो कर्नाटक की जनता ने बता दिया। अब बिहार में आप एक बार बताइए जरा हमको, 2017 में छापा मरवा रहे थे तो 2017 में हम लोग अलग हो गए, तो 5 साल कुछ नहीं हुआ, 5 साल कुछ हुआ 2017 से 2022 तक? बताइए आप ही लोग, कोई बताइए एक आदत में, नहीं हुआ। आज जैसे ही फिर 2022 में हम लोग साथ हो गए फिर शुरू हो गया। तो क्या है ये पालतू तोतों का इस्तेमाल करते हैं आप? बहुत ठीक कहा अभी जो ईडी के जो अखबारों ने हम लोगों ने देखा ईडी का जो एक्सटेंशन ये लगातार दिए जा रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बा भाई तो ये आदमी अगर नहीं रहेगा तो ईडी संस्था समाप्त हो जाएगी, तो ईडी नहीं ना चल सकता है। तो ये हाल है, लेकिन करेंगे कैसे, वो सब पालतू हैं, तो पालतू को छोड़ के कोई नया को काहे के लिए लाएगा? तो इसलिए आज
फिर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने देश में लोकतंत्र स्थापित किया है, इनके लोकतांत्रिक विरोधी चेहरे को जो देश में सारी संस्थाओं को समाप्त कर रहे थे, सारे पालतू तोतों का जो इस्तेमाल कर रहे थे, जो संवैधानिक संस्थाओं को समाप्त कर रहे थे, उनको अपने नियंत्रण में ले रहे थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर गवर्नर के माध्यम से चुनी हुई सरकारों को तंग कर रहे थे, उस सब पर लगाम कसने का काम किया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, और फिर से इस देश में लोकतंत्र स्थापित हुआ है। देखिए आरसीपी सिंह साहब के बारे में हम लोग पहले से जान रहे हैं और हम कई बार कह चुके हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में पार्टी के अंदर नीतीश कुमार जी को कमजोर करने में लगे हुए थे, और अब उसका पुष्टि हो गया क्योंकि अंततो गत्वा बुद्धम शरणम गच्छामि, वहीं चले गए जहां जाना था उनको। इस बिहार में तो बहुत चर्चा होती थी, हम लोग तो उस समय वही पार्टी के अध्यक्ष थे, नीतीश कुमार जी ने उनको अध्यक्ष अपने इस्तीफा दे दिया था, उनको अध्यक्ष बनाया था, तो बहुत चर्चा होती थी बिहार में आरसीपी टैक्स के बारे में। तो अब तो उनको ना बताना चाहिए कि वो क्या था आरसीपी टैक्स जिसके लिए वो उनको शोहरत हासिल था, तो आप वो बतावे, उनको कहा गया शोहरत मिला हुआ था, उसी के ना शोहरत मिला हुआ था, अब उन्हीं को ना बताना चाहिए कि भाई क्या था आरसीपी टैक्स। तो वसूलते होंगे इसलिए उनको मालूम होगा कि आज बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा हो तो कर रहे थे भ्रष्टाचार। वही नीतीश जी तो आंख मुन के विश्वास करते हैं किसी पर, उन पर भी आंख मुन के विश्वास किए हुए थे, अब उस विश्वास के आड़ में आप अगर भ्रष्टाचार कर रहे थे तो देश की और राज्य की जनता जो आरसीपी टैक्स कर रही थी वो तो सही साबित आप अपने मुंह से कर रहे हैं, खुद ही कर रहे हैं। अरे छोड़िए ना, उनको चले गए हैं, जाने दीजिए उनको, उनको कौन पूछ रहा है तो पता चल रहा है ना। आप भी बिहार के बिहार में ना पोर्टल चला रहे हैं, लाइव सिटी चला रहे हैं ना, तो जरा बिहार से जरा सब जगह से जानकारी ले लीजिए कि के पूछ रहा है अब उनको, कोई नहीं पूछता है उनको। नवीन पटनायक जी से मिलने के लिए जब गए थे तो नवीन पटनायक जी ने और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, तो उसमें कहा था क्या कि हम विपक्षी एकता के लिए बात करने आए हैं, दोनों ने यह कहा था कि हम दोनों पुराने मित्र हैं और दोनों पुराने मित्र आज मिले हैं बहुत दिन के बाद, मिलने के लिए आए हैं। अब आप अपना परसेप्शन बना रहे थे तो आप अपना परसेप्शन के आधार पर अपना फिर से परसेप्शन बनाते रहिए, किसी ने नहीं। विपक्षी एकता के बारे में और जहां जहां नीतीश कुमार जी गए हैं सभी दलों ने सभी नेताओं ने पूरे विपक्ष की एकता का समर्थन किया है और विपक्षी एकता होकर रहेगा। कहा आप तो आप फिर वही बता, आप अपना बतवा काहे मेरे मुंह में डालना चाह रहे हैं। नहीं तो आपको तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस उनका नहीं देखे हैं, क्या क्या है बोला उन्होंने, उन्होंने कहा कि कोई राजनीतिक बात नहीं हुई। कहे दोस्ती निभाए नहीं जाएंगे, आपके यहां भी बुलाइएगा तो चले जाएंगे। बिहार में क्या दबाव देंगे, बिहार में वो क्या दबाव देंगे, यहां कानून का राज है, यहां तो कोशिश कर रहे थे वो। आरसीपी सिंह जब उनके एजेंट के रूप में काम कर रहे थे तो वो कुछ गड़बड़ करना चाहते थे, तो गड़बड़ करना चाहते थे उसके पहले उनका गड़बड़ हो गया, महागठबंधन फिर से बन गया, सात पार्टियों का गठबंधन बन गया, तो वहां फेल कर गए, महाराष्ट्र में सक्सीड कर गए, महाराष्ट्र में उनको सफलता मिल गई, और उसी को सुप्रीम कोर्ट ने आज अफर्म किया है कि जो महाराष्ट्र में हुआ था वो गड़बड़ हुआ था।
विकल्प किसी देश का होता है, किसी व्यक्ति का होता है। विकल्प नरेंद्र मोदी को इस देश की जनता ने जब 2014 में चुना था, क्या वादा किया था उन्होंने, 2 करोड़ लोगों को प्रति वर्ष रोजगार देंगे। तो 2014 से आज हो गया 9 साल हो गया ना, तो 18 करोड़ लोगों को तो रोजगार मिला ना चाहिए। तो आप भी तो पोर्टल चलाते हैं, जरा पता करिए, केंद्र की सरकार ने सारी नियुक्तियों पर पाबंदी लगा दिया है, कोई भी सरकारी नियुक्ति नहीं हो सकती है। तो सारी पाबंदी जब नियुक्ति पर पड़ तो उनको 13 जो 9 दुना 18 करोड़ लोगों को रोजगार कहां मिला, तो उसमें कोई विकल्प था क्या? विकल्प होता नहीं है, विकल्प पैदा हो जाता है। और विकल्प नरेंद्र मोदी का पैदा होगा 2024 में, आप देख लीजिए। अभी सभी नेताओं से, अब सभी दलों से बातचीत हो गई, अब बात करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी सभी पार्टियों से बात करके कोई तिथि तय करेंगे, और तिथि तय करने के बाद सबकी सहमति से कोई बैठक होगी। और हो गया ना, ना हो गया। देखिए, जातीय जनगणना को जो हाईकोर्ट ने प्रतिबंध लगाया है उस पर राज्य सरकार कानूनी रूप से उसको लड़ रही है। कल हमने आज अखबार में देखा है कि सर्वोच्च न्यायालय में फाइल हुआ है SLP, लेकिन जातीय जनगणना आवश्यक है। और आप लोगों को एक चीज बता दें कि मंडल कमीशन, शायद बहुत से आप में से साथी मंडल कमीशन का दौर नहीं देखे होंगे, मंडल कमीशन के बाद संविधान पीठ ने एक फैसला दिया था, हरियाणा का एक मामला था उसमें, और संविधान पीठ ने, सर्वोच्च न्यायालय के संविधान पीठ ने कहा था कि अलग अलग राज्यों को अपने अपने राज्यों में सर्वेक्षण कराना चाहिए, और सर्वेक्षण करा के जातीय गणना करनी चाहिए ताकि मंडल कमीशन सही रूप में लागू हो सके। अभी आपने देखा कि जो पंचायत का और नगर निकाय के चुनाव में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ट्रिपल टेस्ट होना चाहिए। ट्रिपल टेस्ट क्या है? ट्रिपल टेस्ट वही है ना कि किस समाज के किस वर्ग को क्या उसकी स्थिति है, उसको क्या लाभ मिला, समाज के मुख्य धारा। तो और जातीय गणना क्या है? हम जनगणना नहीं करा रहे, हम जातीय गणना करा रहे हैं, और उससे समाज के हर तबके को लाभ है। कोई भी तबका ऐसा नहीं है जिसको लाभ नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग जातीय गणना के खिलाफ शुरू से रहे, और खिलाफ रहने का कारण यह रहा है कि उनको लग रहा है कि उनका जनाधार समाप्त हो जाएगा। इसलिए हम लोग दिल्ली में मिले, 11 सांसदों का प्रतिनिधि मंडल मिला, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी सभी दलों के प्रतिनिधि मंडल को लेके गए दिल्ली, बिहार विधानमंडल से 2-2 बार प्रस्ताव पारित हुआ जातीय गणना कराने का, फिर भी बीजेपी उसमें केंद्रीय नेतृत्व अड़ंगा डाल रही थी, भारतीय जनता पार्टी सहमत नहीं थी। और जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह कहा कि आप सहमत हो चाहे नहीं हो, हम तो जातीय गणना कराएंगे, और तब भारतीय जनता पार्टी उसमें शामिल हुई। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी उसकी पहले से विरोधी रही, अब दबाव में उसने सहमति यहां दिया, तो अब पर्दे के पीछे से काम कर रहे हैं, न्यायालय का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये काम नगर निकाय के चुनाव के समय उन्होंने आरक्षण में भी किया था, फिर ये कर रहे हैं, तो फिर कर रहे हैं तो कोई सफलता उनको नहीं मिलेगी, ये बात बता देते हैं आपको। ये आपको समय में आने दीजिए, पता चल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।